स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आइजोम्स न्यूज, मैं हूं आपके साथ वर्षा। 2019 के लोकसभा चुनाव दस्तक देने ही वाले हैं। एक बार फिर जनता के हाथों में होगी ताकत। देखना यह है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसकी होगी जीत, क्या पीएम नरेंद्र मोदी फिर से अपनी जीत का झंडा लहरा पाएंगे या इस बार राहुल गांधी का महागठबंधन बाजी मार ले जाएगा। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में, जहां हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग जगह जाकर लोगों से इस बारे में उनकी राय ली। इस वक्त हम खड़े हैं इंडिया गेट में और जैसे कि आप सबको पता है 2019 के चुनाव होने वाले हैं, तो हम लोगों से उनकी राय जानेंगे कि वो कौन सी सरकार चाहते हैं और कौन सी सरकार इस बार आना चाहेंगे। शुरू करेंगे इनसे। हाँ जी बताइए, आपको क्या लगता है इस बार जो 2019 के चुनाव होने वाले हैं इसमें किसकी सरकार आनी चाहिए? जी मेरे हिसाब से तो आम आदमी की आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी जी। हाँ जी क्यों आनी चाहिए? देखिए कांग्रेस पे भरोसा कर लिया इतने साल, बीजेपी भी भरोसा कर लिया। बीजेपी को लोगों ने इसलिए जिताया था कि जहाँ तक उन्हें आशा थी कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। इस वक्त जैसे मैं दिल्ली का हूँ, मैं जहाँ तक की जानता हूँ कांग्रेस बीजेपी से बढ़िया आम आदमी पार्टी ने काम किया है, ठीक है। तो इसलिए मेरी राय यही रहेगी कि आम आदमी पार्टी की राय। तो इनका हिसाब से ये है कि बीजेपी को ट्राई कर लिया है, कांग्रेस को ट्राई कर लिया है और अब ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए, इनसे जाना चाहेंगे। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आना चाहिए? आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की। 2019 में किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी की। मोदी जी की क्यों? क्योंकि उन्होंने सभी काम अच्छे ही किए, आज तक कोई बुरा काम किया ही नहीं है। उन्होंने नोटबंदी की पूरे देश के लिए की, जो जीएसटी लाए वो भी देश के लिए लाए और फॉरेन में भी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, तो मोदी सरकार ही आनी चाहिए। आपने बोला नोटबंदी है, परिणाम है उसके नहीं है। उनकी नीयत तो अच्छी थी मोदी जी की कुछ करने की, अगर उनको ये कुछ करना ही उन्होंने कुछ किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। उनको भी पता लगा अगर मैं ये करूँगा तो मेरा अगले 5 साल में नहीं भी आ सकता, पब्लिक मेरी खराब इम्प्रेशन हो सकती है। फिर भी उन्होंने किया, हिम्मत रखिए कुछ करने के लिए। बाकी पार्टी की तरह नहीं है कि बस अपने कुर्सी के लिए करते हैं। क्या लगता है 2019 में किसकी चुनाव और किसकी सरकार आनी चाहिए? एक्चुअल में 2019 में सरकार मोदी की ना आए, बाकी मिली जुली सरकार आ जाए, गठबंधन की सरकार आ जाए, क्योंकि लोग हर वर्ग के लोग, खासतौर से मध्यम दर्जे के लोग, गरीब तबके के लोग, ये सब बहुत उठ चुके हैं इस सरकार से, क्योंकि ये सिर्फ धनवानों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, छोटे लोग पूरी तरह से तरसते हैं। उनके लिए ना तो कोई योजनाएं चलाई जा रही हैं, ना उनके हित की कोई कार्य किया जा रहा है। तो आप चाहते हैं गठबंधन की सरकार? जी 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 गठबंधन मेजॉरिटी की सरकार बने, गठबंधन की सरकार हो एक्चुअल में। और इसी बीच हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पर, जहां हम लोगों की राय पूछेंगे कि आखिर वो 2019 के लिए क्या सोचते हैं। मैं चाहूंगा कि आपके दिल में क्या है 2019 को? 2019 में मोदी जी फिर से आएंगे, अगर मिडिल क्लास से इनका कुछ नहीं है तो फिर ये देख ले सब, इनको देखना है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, इनके लिए इनको कुछ देना है फैसिलिटीज दे। यार हमारी कमर टूट रही है, जितना पैसा नहीं कमा रहे उसके डबल इनकम टैक्स देना है। इट इज गुड, इनकम टैक्स इज गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, दैट इज वेरी गुड, बट द थिंग इज एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर हमारा 25 लाख रुपए है तनख्वाह तो उसमें हम 30-40 हजार रुपए तो हम इनकम टैक्स ही दे रहे हैं, तो बाकी हमारे पास क्या बचा? तो बच्चों को पढ़ाना, हमको ये करना है, अदरवाइज वी विश यू ऑल द बेस्ट। मतलब हम कश्मीरी पंडित हैं, हम कश्मीर से निकल के आए 1990 से और
दिस बीजेपी वॉज द ओनली पार्टी विच हैज हेल्प्ड अस नाउ. हम तो इनके स्टॉन्ट सपोर्टर हैं ही बीजेपी, हमारा सिर्फ दिखता है कमल और कमल और कुछ नहीं दिखता. 2019 आ रहा है और 2019 का भी तकरीबन प्रचार शुरू हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि 2019 में किसकी सरकार आनी चाहिए? ऐसा है कि मोदी की सरकार 5 साल तक हो जाएगी, लेकिन 5 साल के अंदर में उनके वादा खिलाफ हुआ, सब आदमी उनके वादा कर कर के तो पूरा नहीं किया. तो देखा आपने 2019 के चुनाव को लेकर जनता क्या मत रखती है, ये देखना दिलचस्प होगा किसके सर सजेगा सत्ता का ताज. बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आइजोम्स न्यूज़.